नमस्ते दोस्तों, मार्स इज ट्रांजिटिंग इन कैंसर इन 10th of May 2023। इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि कैंसर लोगों को ऑलरेडी शनि अष्टम दशा चल रहा है और उसके ऊपर से मार्स भी आ रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, यही आज हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर से हम लोग जान लेंगे। हम लोग पहले कैंसर का थोड़ा सा चार्ट देख के जान लेंगे कि उनको कौन से साइड से प्रॉब्लम्स आएगी एंड क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। थैंक यू दिया सर। जैसे आपने कैंसर कर्क राशि के बारे में बताया हमने कि मंगल अभी ट्रांजिट करने वाला है 10 मई को, आपके लगन में मून साइड में ट्रांजिट करेगा, लेकिन ऑलरेडी शनि अष्टम चालू हो गई है इनको, कैंसर वाले को, जनवरी 2023 के बाद से। और इनका जो ऑलरेडी जुपिटर इज प्लेस्ड इन देयर प्रोफेशनल हाउस विथ राहु, तो ये और केतु इज प्लेस्ड इन देयर फोर्थ हाउस, तो ये पूरा जो मतलब ट्रांजिट रहेगा, ये कैसे इनको मेंटली फिजिकली या इमोशनली कैसे इफेक्ट करेगा उसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि वी विल डिस्कस अबाउट हेल्थ, विल डिस्कस अबाउट सक्सेस, विल डिस्कस अबाउट फैमिली एंड विल डिस्कस अबाउट योर एवरीथिंग, मतलब ओवरऑल लाइफ आपका। मेनली हम लोग तीन चीज़ पे डिपेंड करते हैं, हेल्थ हो गया, फैमिली होगी, प्रोफेशन हो गया एंड फ्रेंड्स एंड सोसाइटी हो गया, क्योंकि हम लोग एक फोर व्हील्स ऑफ द व्हीकल बोलते हैं। फॉर व्हाट इज फोर व्हील ऑफ व्हीकल, आई विल टेल तियासर टू एक्सप्लेन। सो जैसे कि हम लोग कुछ थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, जैसे कि गाड़ी में चार चक्के होते हैं, वन इज हेल्थ, वन इज फैमिली, वन इज यू नो योर फ्रेंड्स एंड लवर एंड अनदर वन इज प्रोफेशन। तो ये चार चक्के में हमारे गाड़ी चलता है, बट हमारा एक स्पेयर चक्का जो पीछे में रहता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सो जब भी हम लोगों का कोई भी एक चक्का थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम देता है, वी रिप्लेस इट विथ स्पिरिचुअलिटी, ताकि हम लोगों का बाकी का चक्का ठीक रहे और हम लोगों का गाड़ी स्मूथली चले। हम कैंसर का वही बात कर रहे हैं जब आपने बताया, फर्स्ट इज हेल्थ के बाद आपका फैमिली हो गया, फैमिली के बाद प्रोफेशन हो गया एंड उसके बाद आपका फ्रेंड्स एंड सोसाइटी हो गया। तो इनको मतलब ये ट्रांजिट मार्स आने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे प्लैनेट प्लेस्ड है, बड़े बड़े प्लैनेट प्लेस, शनि अष्टम चल रही है, आपका जुपिटर एंड राहु इज़ इन देयर प्रोफेशन हाउस एंड केतु इज़ इन देयर फोर्थ हाउस, तो ये सबको लेके ओवरऑल ये गाड़ी कैसे चलने वाली है कैंसर राशि की, यही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यू मे कीप अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम एंड एनर्जी टू सोशलाइज, यू मे फील अ टोटल सेंस ऑफ डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर लवर। During the Ashtam Shani period, you may face criticism for your actions and trouble from your relatives. Conflict within the family, you may have to face separation from your loved ones also. इसके साथ साथ Jupiter is placed in the 10th house. It may mean high success in the profession and other areas of life. तो इसका मतलब आपने explain कर ही दिया कि अभी आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करेंगे, क्योंकि मंगल आपका लगन में आ गया है, तो मंगल लगन में आप ऑलरेडी आपका एक एनर्जी थोड़ा सा शनि अष्टम आपको सोक कर रहा था, ऊपर से मंगल आ गया, तो आपको मंगल आने बाद को आपको ना थोड़ा सा मतलब जो भी आपका लव्ड वन है उसे थोड़ा दूरी बनाने का सोचेंगे, क्योंकि आपको ये एनर्जी ऑलरेडी शनि थोड़ा सोक किया है और मंगल आपको एग्रेशन दे रहा है थोड़ा सा लगन में आके, ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। और शनि अष्टम थोड़ा आपका मन का स्थिति थोड़ा सा डिसबैलेंस करता है, थोड़ा सा मन को अशांत रखता है, थोड़ा सा आपको बहुत कुछ करने की इच्छा होता है, लेकिन आप इस एनर्जी में आप उतना कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप लक्की हो कि आपका जुपिटर और राहु आपका प्रोफेशनल हाउस में है, वो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आगे बढ़ने का, बहुत कुछ करने का आपको मौका दे रहा है, लेकिन खाली जुपिटर और राहु वहाँ पर रहेगा, लेकिन शनि और मंगल अपना काम करेंगे, तो जुपिटर आपको सब कुछ सक्सेस देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको शनि अष्टम और मंगल का अगर रेमेडीज करते हो, और जैसे इन्होंने बताया कि आपको चारू लाइफ को अगर अच्छे चलाना है, जैसे आपका आपका फैमिली हो गया, आपका फैमिली हो गया, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया एंड आपका फ्रेंड्स एंड सोसाइटी हो गया, चारू को बैलेंस करके चलिए, कहीं भी है ना कोई भी चीज़ को मतलब छोड़ के मत चलिए आगे, अगर किसी चीज़ को भी स्थिति अभी देख रही है आपको, कोई भी चीज़ अगर आप इस टाइम में अवॉइड करने का कोशिश करेंगे तो वो समस्या आपको मल्टीप्लाई करेगी, तो आप प्रोफेशन में ध्यान दीजिए, यू विल गेट सक्सेस बट यू हैव टू मेंटेन योर पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो एंड यू हैव टू बी इन हाई एनर्जी एंड डोंट ट्राई टू अवॉइड एनीथिंग, जो आपको मैंने बता दी आपको, अगर स्लाइड को पीछे करें एक बार, ये मतलब ये मंगल के कारण इसमें बता दिया, यू विल फील कीप अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स बिकॉज यू डोंट हैव टाइम एंड एनर्जी टू सोशलाइज,
तो टाइम नहीं है, टाइम तो आपके पास, क्योंकि प्रोफेशन आपको, जुपिटर आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि टाइम तो मैनेज हो सकता है। यू हैव टू बी एनर्जाइज फॉर सोशलाइजिंग, यू मे फील अ टोटल सेंस ऑफ डिसकनेक्शन फ्रॉम योर लवर। तो इस टाइम आपको आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका जो आपका चाहे रिलेशनशिप हुआ चाहे फैमिली लाइफ हुआ उसको बैलेंस करना है, और फ्रेंड्स लोग के साथ बैलेंस करना है, अदरवाइज इस टाइम में आप एकदम लोनली फील करोगे। और अष्टम दशा तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको अपना कोई भी कर्म किए हैं, कोई भी चीज़ करोगे उसके लिए आपको क्रिटिसिज्म मिल सकती है, एंड फ्रॉम योर एंड यू कैन गेट ट्रबल फ्रॉम योर ओन फैमिली, एंड फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो यू मे फेस सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वन आल्सो। तो वो चीज़ आपको, आपको मंगल भी वही चीज़ बोल रहा है और शनि भी वही चीज़ बोल रहा है, तो वो आपको मतलब इतना ज़्यादा प्रोफेशनल काम में इन्वॉल्व मत हो जाइए कि खाली पूरा 90, अगर आप आपके पास 12 घंटा टाइम है बाकी टाइम रेस्ट करते हो, तो 12 घंटा में आप खाली 8 घंटा काम करोगे, 9 घंटा काम करोगे, आपको बैलेंस करना है। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करिए, वॉक भी करिए, आपके लव्ड वन से बात भी करिए, फैमिली से अच्छे बिहेव भी करिए, और आपका एनर्जी को हाई रखिए। और जुपिटर आपका जो 10th हाउस में बता ही दिया कि आपको सक्सेस देगा, लेकिन सक्सेस तभी आपको मिलेगी जब आपको एनर्जी हाई रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, आप खुश रहेंगे अंदर से, तभी वो सक्सेस का मजा है। तो तीनों जो प्लैनेट है, और आपको बताया जाता है, पहले ही बताया था मैंने, जहाँ पे भी राहु रहता है वहाँ पे वो चीज़ को एनहेंस करता है। तो जुपिटर और राहु मिल के आपको प्रोफेशन को एनहेंस कर रहा है, तो उसी खाली प्रोफेशन के हिसाब से मत रहिएगा। आपको गाड़ी में चार चक्का बताया, आपको आपको आपकी फैमिली भी है, आपके फ्रेंड सर्कल सोसाइटी भी है, एंड आपकी हेल्थ भी है, तो तीनों को ही प्रायोरिटी देनी है, और प्रोफेशन को भी प्रायोरिटी देनी है। सबको अगर प्रायोरिटी देंगे तो ये अष्टम जो दशा, ये मंगल जो आन ट्रांसिट करने वाला 10 मई को, ये आपको इफेक्ट नहीं करेगी। सो यही प्रेडिक्शन था कि मार्स का जो ट्रांजिट होने वाला है 10th ऑफ मई, इससे ये इफेक्ट होने वाला है कैंसर राशि पे, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हम लोगों को बताइएगा, ताकि हम लोग आपको सोल्यूशंस दे सकें और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। एंड अगर आपको शनि दशा रिपोर्ट ख़रीदना है कि आपका लाइक दूसरे राशियों में कौन से राशि में शनि का दशा चल रहा है, तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना शनि दशा रिपोर्ट खरीद सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ और लाते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।